أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه رواه الامام احمد والترمذي والحاكم في المستدرك محترم حضرات اور خواتین اسلام سب سے لوك لوگ سب سے بہتر لوگ اس سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں اپ کے जिन खुश नसीबों को नबी आलातम ने समाज का क्रीम कहा समाज का मनतखब तबका करार दिया जिनको नबी आलातम ने एक तरह से दूसरों के लिए नमूना बतलाया और जिनको सबसे अच्छा इंसान करार दिया उनकी एक तवील फहरिस्त में से आज आपके सामने एक और किस्म के लोगों का तकरा मैं करने जा रहा हूँ आज आपके सामने मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ वो हैं अच्छे दोस्त अच्छे साथी पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रदी अल्लाह रिवायत फ़रमाते हैं इमाम अहमद ने अपनी मुसनत के अंदर इमाम तिरमिदी ने और इमाम हाकिम ने सदी को रिवायत किया है कि नबी आसलात वसलाम ने फरमाया कि साथियों और दोस्तों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा साथी और सबसे अच्छा दोस्त वो है जो अपने साथी और अपने दोस्त के साथ अच्छा रहे ये हदीस हम और आपको जिंदगी जीने का एक बड़ा ही अच्छा सलीका सिखलाती इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को मुआशरत पसंद बनाया है यह इंसान तन्हा नहीं जीता यह एक इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान से जोड़ कर रखा है एक तरफ़ अल्लाह तबारक ने ख़ानदान कबीले रिश्ते नाते के नाम पर इंसान को इंसान से जोड़ कर रखा है वहीं इंसान को दुनिया की जो हाजतें हैं दुनिया के जो मसाइल हैं दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, हैं उनमें एक दूसरे से अल्लाह ताला ने जोड़ कर रखा है अब इंसान कभी अपने रिश्तेदारों में से कभी ऐसे लोगों में से जो उसके रिश्तेदार नहीं अपने कुछ साथी मुंतखब करता है मर्द के मर्द साथी होते हैं औरतों की औरतें सहेलियां हुआ करती हैं यहां जो मामला है दुनिया के अंदर साथियों और सहेलियों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। यह साथ कभी जिंदगी भर का होता है कभी किसी मखसूस इलाके में किसी जगह काम करते हुए काम की हद तक होता है कभी किसी एक काम में पार्टनरशिप या जो शराकत दारी के नतीजे में होता है कभी किसी सफर में सफर की हद तक होता है साथ जितना भी हो जैसा भी हो इस्लामी शरीयत हम और आपको एक बुनियादी जाबिता ये सिखलाती है कि हम अपने साथी के साथ अगर अच्छे हैं तभी अल्लाह के नज़दीक भी हम अच्छे बंदे हैं बल्कि अगर हम अपने साथी के साथ अच्छे हैं तो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अच्छे बंदों में मेरा और आपका शुमार होगा आप और मैं दुनिया को जानते हैं। इस वक्त दुनिया हम और आपको एक बात सिखाती है कि दोस्ती उससे करो जिससे तुम्हारा कोई मफाद है यह खुद अपने आप में एक गलत रवैया कि दोस्ती उससे करो जिससे आपका कोई मफाद है मफाद से मोरा दुनियावी मफाद अगर कोई आदमी यह सोचकर दोस्ती करता है कि भाई मेरे दीन का फायदा हो तो ये सही है गलत नहीं लेकिन मफाद परस्ती का मतलब दुनिया का कोई फायदा हासिल करने के लिए सिर्फ दोस्ती करता है ये गलत है लेकिन उससे ज्यादा बुरा ये है कि आदमी के साथ जिसके साथ दोस्ती की है उससे सिर्फ अपना मफाद लेने की कोशिश करे सामने वाले को फायदा अपनी तरफ से पहुंचाने की कोशिश न करे हमारे समाज में ऐसी मिसालें कदम कदम पर मिलती हैं कि जब तक सामने वाले से हमें फायदा मिल रहा है वो सामने वाला दोस्त भी है रिश्तेदार भी है पहचान का भी है मोहतरम भी है हैज भी है बड़ा नाम भी है सब कुछ है लेकिन वही अगर वो कहीं गड़बड़ा गया हमारी तरफ से उसको फायदा पहुंचाने की बात हो तो वो हमारे लिए अजनबी हम उसको पहचानते नहीं बल्कि उसके अंदर हजार आयब निकल आते हैं हम कीड़े निकालने लगते हैं इस्लामी शरीयत कहती है ऐसा नहीं साथ का मतलब साथ होता है यहां आदमी को खैर ख़ाह बनना चाहिए मैं उससे फायदा उठा रहा हूं मैं उसको फायदा पहुंचाने की भी कोशिश करूं वो मेरा भला चाह रहा है मैं उसका भला चाहने की कोशिश करूं महज मफाद परस्त बनकर ताल्लुकात निभाने वाला इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है अल्लाह की नजर में वो अच्छा बंदा नहीं है जो सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी से साथ निभाए किसी से दोस्ती करे किसी से ताल्लुक जोड़े किसी को अपनी सहेली बना ले ऐसे सिर्फ मफाद में दोस्ती करने वाले अल्लाह के नजदीक अच्छे बंदे ने अच्छी बंदी या नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तो बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुल इंदल्लाह दो लोग हैं दस लोग हैं बीस लोग हैं साथी हैं तो इन साथियों में सबसे अच्छे वो हैं जो अपने दोस्त अपने दोस्त के साथ जो सबसे अच्छा साबित हो वही अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छा बंदा है अच्छा दोस्त शुमार किया जाता है बल्कि अपने दोस्त के साथ अच्छा सुलूक करना अपने साथी के साथ बेहतर बर्ताव करना अपनी सहेली के साथ बेहतर मुआमला रखना ये दरअसल अल्लाह के नजदीक महबूब बंदों पसंदीदा बंदों में शामिल होने का एक दर्जा है पैर नबी वसल्लम ने इसीलिए ये अदब सिखाया है कि हम और आप ये देखें कि हम किस से दोस्ती कर रहे हैं हम दोस्ती कर रहे हैं मामला के लिए हम अपने उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं दोस्ती कर रहे हैं देखिए मामलात भी दो दर्जों में होते हैं एक है कुछ लेना कुछ देना दुकानदार का दुकानदार के साथ खैर खाही खत्म हो गई कोई ताल्लुक नहीं है मुस्तकिल हमारा कोई दोस्ती नहीं और दूसरी चीज है दोस्ती जिसमें हम वक्त साथ गुजारते हैं एक दूसरे के साथ अपने शेयर करते हैं कभी उनसे मदद लेते हैं कभी उनको मदद देते हैं कभी उनको अपने साथ लेकर जाते हैं कभी हम उनके साथ चलते हैं यहां इस्लामी शरीयत कहती है कि आपको उसका भला सोचना चाहिए उसका मददगार बनना चाहिए उसका बनना चाहिए खैर के मामले में उसके साथ खड़े होना चाहिए खैर के मामले में उसके दस दस उसका दस तो बाजू बनना चाहिए आपको उसके साथ ऐसे खड़ा होना चाहिए कि वो आदमी महसूस करे कि मैं एक नहीं दो हूं मैं एक नहीं दस हूं अपने साथियों को अपने साथ देखे लोग एक बात कहते हैं कि फ्रेंड इन डी इन नीड ए फ्रेंड इन डीट की जरूरत पर काम आने वाला दोस्त ही दोस्त है आप इसे एक जुमले के तौर पे ना लें बल्कि नबी अली सल्लतु व की इस हदीस का ये मफहुम है हकीकत में कि जरूरत पर काम आना ये असल में एक अच्छे दोस्त की alamat है और जरूरत पे काम आना अपने दोस्त के ये अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा होने की alamat है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हम और आप मुआशरती जिंदगी का बड़ा ही अहम اصول और जाबिता सिखलाया है कि देखो जिंदगी में अगर किसी को अपना दोस्त अपना साथी अपना मुआविन, अपना मददगार बनाते हो अपना साथ उसे लेकर चलते हो तो फिर यह जाबिता तुम्हें याद रखना चाहिए कि उस आदमी के हक में खुद को मुफीद बनाने की कोशिश करो आप यकीन माने दुनिया में हमारे ताल्लुक जितने भी होते हैं जमीर आपका मुतमिन कब होगा आपको पता है आप सामने वाले से फायदा उठाते रहेंगे अगर बाज़मीर इंसान आप हैं सामने वाले से सिर्फ फायदा उठाते हुए आपके जमीर पे बोझ बढ़ता रहेगा अगर आप बाज़मीर इंसान है हसास इंसान है आपके दिल में आपके सीने में एक धड़कता दिल है तो आप सामने वाले को उससे ज्यादा मदद देकर जितना एहसान वो आपके साथ करता है उससे बड़ा एहसान करके आप अपने जमीर को मुतमिन कर पाते हैं इस्लामी शरीयत हम और आपको यही सिखाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ लेना नहीं अगर आप लेते हैं तो दुनिया की नजर में मफाद परस्त बनते हैं, बनते हैं हैं अल्लाह की नजर में अच्छे बंदे नहीं रहते और अगर आप अपने अंदर झांक कर देखने की सलाहियत रखते हैं आपके अंदर ये इस्तेतात है कि आप अपने आप को समझ सकते हैं तो फिर आप अपने आप को भी लफ्ज के लिए मुआफ करेंगे बड़ा कमीना इंसान अपने आप को महसूस करेगा अगर एहसास है आपके अंदर लेकिन वही आप और मैं कोशिश ये करें कि जिनसे भी हमारे ताल्लुकात हैं हमारा हाथ ऊपर होगा हम उनके साथ ज्यादा बेहतर सुलूक करेंगे बेहतर मामला करेंगे हमसे उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा उनसे फायदा हो कि ना हो हम बदले में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे बल्कि हमारी तरफ से जब तक ताल्लुक दोस्ती बनी हुई है हम बेहतर ही बेहतर मामला करेंगे तो ऐसा सोचने वाले इंसान का मामला ये कि वो इंसान अल्लाह ताला का पसंदीदा अच्छा बंदा भी होगा वो समाज के अंदर भी बड़ा मोहतरम इंसान होगा और सबसे बढ़कर उसका जमीर बड़ा हल्का होगा बड़े सुकून बड़े इतमान की दौलत वो अपने नफ्स के अंदर लिए हुए इंसान जीता होगा इस्लाम हम और आपको अंदरूनी और बेरूनी हर हैसियत से एक मिसाली शख्स बनाना चाहता है और इस मिसाली शख्स बनने की राह में यह तालीम बड़ी ही बुनियादी है कि नबी सला ने फरमाया खैरबी खैर साहिबी दोस्तों में साथियों में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर बंदा वो है जो अपने साथियों के साथ बेहतर हो साथियों के हक में अच्छा हो अल्ला से दुआ कीजिए कि हमें से जो मर्द हैं अल्लाह उनको अपने दोस्तों के हक हाँ में अच्छा दोस्त बनाए और हम जो ख़ुत हैं उन खुत को अपनी खातन के हक हाँ में अपनी सहेलियों के हक हाँ में बेहतर सहेली बनाए अल्लाह हम और आपको शरीय इस्लामिया की इतनी अहम तालीम को समझ कर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तोफ़ी तह फरमाए आमी व आखिरबिलकुम वरम वक्त